नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। 4 दिसंबर यानी नौसेना दिवस, ये दिन 1971 के भारत पाक की जंग के दौरान भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है, जब भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की नौसेना पर जीत दर्ज की थी और उन्हें करारी शिकस्त दी थी। लेकिन आखिर ये ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या है, जिसमें भारतीय सेना ने इस रीजन में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल से हमला किया था और पाकिस्तान को ऐसी पटकनी दी थी कि वो कभी हमारा पड़ोसी देश भूल नहीं सकता। 3 दिसंबर 1971 की रात को भारतीय नौसेना की शिप मुंबई छोड़ रही थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान की एक पनडुब्बी पीएनएस हेंगोर उन पर हमला करने के लिए इंतजार कर रही है। पाकिस्तानी पनडुब्बी हमले की ताक में घूम रही थी, उसी बीच उसके एयर कंडीशनिंग में कुछ दिक्कत हुई और उन्हें समुद्र की सतह पर आना पड़ा। और तभी भारतीय नौसेना को अंदाजा हुआ कि पाकिस्तानी पनडुब्बी तट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। उस समय नेवी चीफ एडमिरल SM नंदा के नेतृत्व में ऑपरेशन ट्राइडेंट का प्लान बनाया गया था। भारतीय जल सीमा पर घूम रही पाकिस्तानी पनडुब्बी को नष्ट करने का जिम्मा एंटी सबमरीन फ्रिगेट INS खुकरी और कृपाण को सौंप दिया गया। इस टास्क की जिम्मेदारी 25वीं स्क्वाड्रन कमांडर बबरू भान यादव को दी गई थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर भी हमला बोल दिया था। एम्यूनिशन सप्लाई शिप समेत कई जहाज नेस्तनाबूद कर दिए गए थे। इस दौरान पाकिस्तान के ऑयल टैंकर भी तबाह हो गए। भारतीय नौसेना ने युद्ध पोषण के प्रयासों और महत्वपूर्ण सामानों को ले जाने वाले कई पाकिस्तानी जहाजों को डुबो दिया। INS विक्रांत के डेक से लड़ाकू विमानों ने चटगांव और खुलना में दुश्मन के कराची पोर्ट और हाईवे क्षेत्र को हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना की जहाजों, रक्षा सुविधाओं और प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया गया। इन मिसाइल हमलों और विक्रांत के हवाई हमलों के कारण कराची पोर्ट पर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसमें पाकिस्तानी सेना की हार हुई। कई दिनों तक कराची पोर्ट पर तेल के भंडार से आग की लपटें उठती रहीं, जिन्हें लगभग 60 किलोमीटर की दूरी से भी आराम से देखा जा सकता था। हालांकि इस जंग के दौरान भारतीय नौसेना का INS खुकरी भी पानी में डूब गया था और 18 अधिकारियों समेत लगभग 174 नाविक शहीद हो गए थे। तो ये थी वो वीरगाथा जिसमें हमारे वीर नौसैनिकों ने पाकिस्तानी नौसेना पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसमें पाकिस्तानी थर्रा उठे थे। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।